आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोगों के साथ में मैंने प्रैक्टिस में देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को जो मानसिक बीमारियाँ और शारीरिक बीमारियाँ होती है, तो वो लोगों में चार ऐसी मेजर भावनाएँ या विचार दिमाग में रहते हैं कि जिसकी वजह से उनको तकलीफें होती रहती है। और यह चार जो भावनाएं या विचार जो है वो है सैडनेस, मतलब निराशा या दुख। फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म, मतलब वो खुद की आलोचना करते हैं। तीसरा, वो लोग खुद को गिल्ट महसूस करते हैं, अपराधीपन की भावना, अपराध बोध ये होते रहता है। और चौथा, उनको अननोन फियर रहता है, डर रहता है। तो ये चार चीज़ें हैं, मतलब चार बातें जो है ये बहुत दिमाग में परेशानियां पैदा करती है। मैंने बोला कि एक तो भय, अपराध बोध मतलब सेल्फ गिल्ट, गिल्ट लगना, आलोचना करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म और सैडनेस। क्या होता है, ये यदि भावना दिमाग में रही तो हम क्या करते हैं कि हम वातावरण में लोगों को दोष देते घूमते रहते हैं। और जब वातावरण में लोगों को दोष देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब मैं जिम्मेदारी लेता नहीं हूँ। और जिम्मेदारी लेता नहीं हो, लोगों को दोष देते जाएंगे, तो फिर मेरे जीवन में कुछ मुझे यश या सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि लोगों को दोष देने से कुछ होगा नहीं। क्या होता है कि लोगों को दोष देते, इसका मतलब लोग काम नहीं कर रहे, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर मेरे दिमाग में विचार क्या होता है, ये जो चार भावनाएं मैंने बताया कि सैडनेस, खुद का क्रिटिसिज्म मतलब खुद की आलोचना करना, गिल्ट फीलिंग, और चौथा जो है भय। इससे होता क्या है कि मेरे दिमाग में ऐसे विचार चालू रहते हैं कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, लोग बिल्कुल ही कोऑपरेटिव नहीं है, लोग मेरा इस्तेमाल कर लेते हैं, लोग मुझे पायदान के तरफ वापर लेते हैं, लोग मेरे तरफ हरदम नाराजगी से देखते रहते हैं, कोई मुझे काम में आता नहीं है। मतलब इस तरह के जो विचार है, वो विचार ऐसे लोग मेरे आजू बाजू में पैदा करते हैं। मुझे ये कहना है कि बाहर कुछ भी नहीं है। इस तरह के लोग यदि आपके पास में आ रहे हैं कि लोग आपका इस्तेमाल कर रहे, लोग आपका वापर करके ले रहे, लोग आपको पायदान के तरह आपका इस्तेमाल करके वो चले जाते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे, लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे, लोग आपको प्यार देते नहीं है, तो इस तरह से लोग आपके आजू बाजू में घूम रहे हैं या आ रहे हैं, इसका मतलब आपके विचारों ने उन्हें आकर्षित किया। यदि वो दिमाग में विचार आपके नहीं रहते थे, तो वो लोग आकर्षित होते नहीं थे, वो आपके आजू बाजू में आते नहीं थे। तो ये समझ के चलो कि आपके आजू बाजू के जो लोग हैं जिनको आप ब्लेम कर रहे और जिम्मेदारी नहीं ले रहे, इसका मूल कारण जो है वह आपके दिमाग में विचार और आपके दिमाग की भावनाएं। वो यदि आप दिमाग में रखते नहीं थे, तो ये जो लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, जो आपका इस्तेमाल कर लेते, जो आपका वापर कर लेते, फ़ायदा देते नहीं, नुकसान करते हैं, वो लोग और कहीं चले जाते थे और वो और लोगों के पास में अट्रैक्ट होते थे। वो आपके पास में अट्रैक्ट हो रहे, आकर्षित हो रहे, क्योंकि आपके दिमाग में वैसे विचार है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मेरे दिमाग में कौन सी विचार चालू है। क्या मेरे दिमाग में नाराजगी है? क्या मेरे दिमाग में ऐसी आलोचना आ रही है, खुद को मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लोगों को दोष दे रहा हूँ या लोगों के ऊपर आलोचना कर रहा हूँ? क्या मैं खुद को ऐसा व्यक्ति महसूस करता हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ और मेरे में अपराधीपन की भावना है? क्या मेरे दिमाग में अधिकतर अननोन डर है? कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ रीज़न है, तभी मेरे को डर लगता है और डर से मैं भयग्रस्त हूँ। तो ये जो दिमाग में चालू रहेंगे, तो इसको उसका उसके एक्नॉलेजमेंट करना, उसको दिमाग में रखना कि ये ऐसा चल रहा है मेरे दिमाग में, उसको बाजू में रखना, और सामने जब आप काम करना चालू करोगे तब आपको रिजल्ट आ जाएगी। तो ये दिमाग के विचारों को दिमाग में रखते हुए और उसके ऊपर विश्वास करते हुए काम करना ये घातक है, और ये करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उस तरह के लोग आपके आजू बाजू में फिर आएंगे नहीं। आपके आजू बाजू में लोग ऐसे आएंगे कि जो आपको सपोर्ट कर रहे, जो आपको मदद कर रहे, जो आपको बड़ा करने में सहायता उनकी हो रही है, आप उनको बड़ा कर रहे, और एक पॉजिटिव स्पेस, एक पॉजिटिव जगह ऐसी निर्माण हो जाएंगी आपके जीवन में कि जिसमें आपको बहुत ही संतुष्टि, समाधान, आनंद मिलेगा और आपको सफलता आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।